हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह हो चुकी है, विश्वा जा चुकी है स्कूल, और आज तो है खुशी की स्कूल में फंक्शन, दिवाली सेलिब्रेशन। तो वहाँ पे बच्चे जो है प्री प्राइमरी के, वो राम कथा का प्ले करने वाले हैं, तो मुझे भी जाना है। खुशी उसमें एक डांस में है पार्टिसिपेट किया हुआ, तो उसे हम देखेंगे कि खुशी कैसा डांस करती है। और खुशी देखो यहाँ पे उठ चुकी है, खुशी को तो चलो जल्दी से रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि खुशी कितनी प्यारी लग रही है। तो चलो जल्दी से। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ रही है हमारी प्यारी खुशी। हाँ, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है खुशी, है ना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं निकल चुकी हूँ खुशी के स्कूल जाने के लिए। आपको पता है कि आज फंक्शन है, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ खुशी के स्कूल में, तो चलो चलते हैं, फंक्शन देखते हैं और आपको भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ड्रामा का टाइटल था राम कथा की झलकियाँ, और देखो कितना प्यारा सेटअप किया है स्कूल वालों ने। आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से अयोध्या बनाई है, अशोक वाटिका बनाई है, बहुत प्यारा है। देखो खुशी भी बैठ चुकी है। तो फ्रेंड्स देखो, अभी ड्रामा शुरू होने वाला है और मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ड्रामा पूरा नहीं दिखा रही हूँ, बस आपको सेटअप दिखा रही हूँ कि कैसा अच्छे से सेटअप किया है और बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शुरू होने वाला है खुशी का डांस, तो आप देखिए और बताना खुशी ने कैसा किया।
खुशी के स्कूल से तो आ गए थे, आपने देखा होगा कि खुशी ने कैसा डांस किया। तो आप सबको कैसा लगा खुशी का डांस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि खुशी ने कैसा डांस किया। और अभी लंच वगैरह हो गया ख़त्म और आज मम्मी के घर दिवाली का नाश्ता बनाना था तो मैं आई हूँ यहाँ पे। तो पूरियाँ तो सब बेल के रख दी, अभी फ्राई करनी है वो शाम को करेंगे। तो चलो अभी थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरी चाय मस्त गर्मा गर्म। तो चलो पीते हैं फ्रेंड्स चाय वाय पी ली और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूरियाँ तलने के लिए। मस्त सी पूरियाँ बन रही है तो आप सबको भी खानी हो तो आ जाओ। और आप सबने क्या क्या दिवाली का नाश्ता बनाया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे मम्मी के घर तो बनी है पूरिया चिवड़ा चवाना, फिर मुखवास बना है, अभी मगज बनने वाला है। मगज यानी हम लोग गुजराती में जिसको मगदड़ बोलते हैं, बेसन का स्वीट होती है वो बनने वाली है। और मठिया चौला फली सब बना है तो आप सब भी बताना कि आप सबके घर में कौन कौन सी चीज़ें बनी है। तो चलो मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूरियाँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी, थोड़ी सी सब्जी लेनी है तो वो ले लेते हैं। फिर दिवाली के लिए दिए भी खरीदने हैं, मिट्टी के दिए खरीदने हैं, हाँ उसको कुछ रंगोली बनाने के लिए लेना है तो वो दिलाएंगे। तो चलो चलते हैं शॉपिंग करते हैं। और कौन है हमारे स्कूल में दिवाली फंक्शन? हाँ कल विश्वा के स्कूल में है ना, चलो सब सामान ले लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मामा बांजी का जो है हर रोज का है ऐसा। तो खुशी जो है फ़ोन के लिए उसके मामा के साथ झगड़ा कर रही है क्योंकि हमें उसे फ़ोन नहीं देना है और वो फ़ोन छोड़ नहीं रही है। देखो तो कैसे लड़ रही है अपने मामा के साथ। वाह अच्छे से बैकपैक बना दिया विश्वा ने। तो फ्रेंड्स आप भी हैक घर पे ट्राई करना और विश्वा को कमेंट करना कि कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।